बिहार बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर हर वर्ष 5 नंबर में लगभग आ ही जाता है, पिता और पुत्र की उम्र से जुड़ा क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन है इसका कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मान लेंगे क्योंकि हमें तो पता है ना कि 5 वर्ष पहले क्या उम्र था, तो माना कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो है एक्स वर्ष, है ना, एक्स वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेंगे वाई वर्ष। क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु है ना, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु हो जाएगी एक्स माइनस 5 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। अगर पहले आपसे पूछा जाए तो माइनस में करेंगे, है ना, घटाएंगे जो वर्तमान ये रहेगा। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, इसीलिए पुत्र की आयु में 7 से गुना कर देंगे तो दोनों का एज क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ इसको हल करिए तो एक्स माइनस 5 बराबर 7y और माइनस 7 × 5=35, एक्स माइनस 7y बराबर, यहाँ देखिए क्या करें, 7y को भी इस साइड ले आएंगे, है ना, चर वाला मान को एक साथ कर लीजिए और अंक को एक साथ कर लेंगे तो माइनस 35 + 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, यह हो गया हमारा पहला समीकरण। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु है ना, 5 वर्ष बाद जब कहेगा तो उसका एज बढ़ जाएगा, यानी 5 वर्ष जुट जाएगा तो x प्लस 5 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। अब आगे ध्यान दीजिए कि 5 वर्ष बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, इसीलिए पुत्र की आयु में 3 से गुना कर दीजिए तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 + 3 = 15 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो x माइनस 3y और अंक को एक साथ कर लीजिए तो 15 - 5, यानी x माइनस 3y बराबर 10, यह हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब आगे हल करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हमारा प्राप्त हुआ है x माइनस 7y बराबर माइनस 30, यहाँ लिख देंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 30, यह हमारा पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण x माइनस 3y बराबर 10, है ना। अब समीकरण को हल करिए, देखिए यहाँ पर x x तो सेम मिल रहा है ना, तो यहाँ क्या के सिर्फ चेन को बदल देंगे, है ना, इसका चेन, यह प्लस में है, सब में माइनस से गुणा कर दी, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, प्लस में है तो माइनस, यहाँ देखिए x से x कट गया, बचा क्या 7 - 7y + 3y, मीन्स यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 4y बराबर, यहाँ दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा आपस में तो माइनस का 40, माइनस से माइनस कटा y बराबर, यहाँ देखिए 4 से 40 कटेगा 10 बार में, y का वैल्यू आ गया 10। समीकरण 1 में y का मान रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, x माइनस, देखिए y का वैल्यू निकला 10 तो माइनस 7 × 10 = -30, तो x माइनस 70 बराबर यहाँ पर माइनस का 30 हो जाएगा और x बराबर माइनस 30 और माइनस में 70 है उतर जाएगा तो प्लस का 70 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया 40। अब लिखेंगे इसीलिए पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है मीन्स 40 वर्ष होगा और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मीन्स 10 वर्ष, है ना, इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।